hello students welcome to jskm classes this video is based on MCK question on the topic of digestion and absorptions so let's start first question number of milk teeth found in human is number of milk teeth found in human is first option 32 second 20 थर्ड फिफ्टी टू फोर्थ ट्वेल्व तो जो ह्यूमन है ह्यूमन में जो परमानेंट तीत होते हैं दो तरह के तीत पाए जाते हैं मिल्क तीथ और परमानेंट तीत तो जो परमानेंट तीत होते हैं उनकी संख्या होती है थर्टी टू इन टोटल जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन थर्टी टू है तो नंबर ऑफ मिल्क तीत पहुँचता है अगर परमानेंट तीथ पूछता तो कितना थर्टी तो राइट right आंसर हो जाता लेकिन मिल्क तीत कितने होते हैं तो मिल्क तीत की जो संख्या होती है वो होती है ट्वेंटी ह्यूमन में जो मिल्क तीत पाए जाते हैं वो ट्वेंटी यही ट्वेंटी तीत जब जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो फॉलिंग होती है हो, फॉल होने के बाद वहीं पर एक न्यू तीत ग्रोथ होते हैं जिन्हें हम परमानेंट तीत कहते हैं तो जो परमानेंट तीत होते हैं इनका एक दूसरा नाम भी है इन्हें जाना जाता है डेसी डिवर्स डेंटिशन या इन्हीं को बेबी तीत या इन्हीं को कहा जाता है मिल्क तीत डेसी डिवर्स डेंटिशन बेबी तीत या मिल्क तीथ कहा जाता है इनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है ट्वेंटी और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो होते हैं इंसीजर कैनाइन और मोलर चाइल्ड टीथ यानी कि जो मिल्क टीथ हैं इसमें प्री मोलर अपसेंट होते हैं ज़ीरो होते हैं टू वन ज़ीरो टू टू वन जीरो टू के आर्डर में लिखा जाएगा और जो परमानेंट तीथ होते हैं ये होते हैं टू वन टू थ्री की में होते हैं तो ट्वेंटी तीस होते हैं मिल्तीस जिन्हें हम डे दो मिलतीत कह सकता है तो राइट आंसर इज ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड द नॉर्मल ह्यूमन डेंटल फार्मूला फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड द नॉर्मल ह्यूमन डेंटल फार्मूला फर्स्ट ऑप्शन टू वन थ्री थ्री अपान टू वन थ्री थ्री सेकेंड ऑप्शन टू वन टू थ्री अपान टू वन टू थ्री थर्ड ऑप्शन थ्री वन थ्री थ्री अपान थ्री वन थ्री थ्री फोर्थ ऑप्शन थ्री वन थ्री वन अपान थ्री वन टू वन तो जो ह्यूमन डेंटल फार्मूला होता है परमानेंट तीथ की बात कर रहे हैं कि वयस्क की बात कर रहे हैं तो जो टोटल नंबर आप तीत होते हैं वो होते हैं थर्टी टू जिनका अरेंजमेंट होता है वो इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर के फार्म में होता है इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर जो अरेंजमेंट होता है वो टू इंसीजर वन केनाइन टू प्रीमोलर थ्री मोलर तो इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर कि टू वन टू थ्री के फार्म में अरेंज होते हैं तो टू वन टू थ्री अपन टू वन टू थ्री तो राइट आंसर इज बी राइट आंसर इज बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकोडॉन् डोड एंड हेटोडॉन आर क्रिस्टिक ऑफ यानी कि थीकोड डाइफ्यूडांट एंडोडन तीस कैरेस्टिक लक्षण किसमें पाए जाते हैं किसकी विशेषता होती है फर्स्ट ऑप्शन रेप्टाइल्स सेकेंड एवीस थर्ड मैमल्स फोर्थ एम्फीवियंस रेप्टाइल्स फर्स्ट देखते हैं क्या होते हैं कि इट इज द कंडीशन ऑफ तीत यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें डिफरेंट प्रकार के तीत पाए जाए जैसे एग्जाम्पल ए मेम्बर ऑफ स्नैसीडा एंड मैमल्स सेकेंड थी थीडॉन टाइप द टाइप एडवर्टाइजमेंट इन विज सॉकेट, यानी कि जो तीत हैं है, ये सॉकेट के फॉर्म में धसे होने चाहिए जकड़े होने चाहिए जैसे इस एग्जाम्पल इसका क्रोकोडाइल्स क्रोकोडियस एंड एंड मैमल्स तो मैमल्स में भी पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं नेक्स्ट डायफ्यूडान टाइप डाइफ्यूडान टाइप में क्या होता है इनमें कैशिस्ट आरक्षण होता है इनका कि टू सेट आप तीत पाए जाए से टू सेट आप तीस पाए जैसे कि क्रोकोडिल्स में एंड मैमल्स में तो जो मैमल्स हैं मैमल्स में तीनों तरह के तीत पाए जाते हैं हेट्रोडॉन भी पाए जाते हैं डिफरेंट प्रकार के तीत पाए जाते हैं प्लस थीकोडॉन्ट जैकेट में दसी हुए रहते हैं और प्लस डाइफियोडांस टू सेट आप तीत होते हैं दो सेट के तीत पाए जाते हैं तो राइट आंसर इज मैमल्स सी आंसर इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूनर ग्लैंड इज प्रजेंट इन वाल ऑफ ब्रूनर ग्लैंड इज प्रजेंट इन वाल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन लीवर सेकेंड डिओडिनम थर्ड ईशोफेगस फोर्थ स्टमक फर्स्ट लीवर सेकेंड डिओडिनम थर्ड ईशोफेगस फोर्थ स्टमक तो जो ब्रूनर ग्लैंड हैं ये लोकेटेड होती है इन दबम्यूक्शन ऑफ द डिओडिनम डिओडिनम की सब लेयर में ब्यूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्रीट करती हैं एक एल्कलाइन फ्लूड एल्कलाइन फ्लूड मशीन जो कि प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा को एसिडिक स्टमक एसिडिक स्टमक से जो कंटेंट होता है जो फूड मटेरियल होता है जब ड्यूडिनम तक तो पहुंचता है तो वहां पर एसिडिक से ये जो सिक्रीशन होता है ब्यूनस ग्लैंड का वो इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा लेयर को फ्रॉम द से जो और ये जो ब्यूनस ग्लैंड होती हैं ये एक हार्मोन के सिक्रियशन करती हैं और हारमोन्स का नाम है कोली कोली एक डाइजेस्टिव हार्मोन्स होता है जो कि सेक्रेट होता है ब्यूनस ग्लैंड के द्वारा तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा डिडिनम होगा कि ड्यूडिनम की सम्युशा लेयर में ब्यूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन pancreatic juice contain active enzymes are pancreatic juice contain active enzymes are first option trypsin second chymotrypsin third amylase fourth none trypsin chymotrypsin amylase नन. तो जो पेंक्राटिक जूस होता है ये इसके से पेंक्रिया होता है और में से वेरियंट प्रकार के वेरियंट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि ट्रेप्सिनजन कीमोट्रप्सिनोजन एलेस्ट्रेस कार्बाक्सीपेपटाडिस पेनक्राटिक लाइपेज न्यूक्सिस एंड एमाइलेज ये एंजाइम पाए जाते हैं इसमें लेकिन ये सारे एंजाइम इनएक्टिव फार्म में सिक्रेटेड होते हैं और ये एक्टिव होते हैं जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तब ये एक्टिव में होते हैं तो जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो इनएक्टिव में होंगे राइट ऑप्शन इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय स्टार्च एंड प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय फर्स्ट ऑप्शन से लाइ हुआ सेकेंड बायल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल थर्ड फास्फोलिपट्स फोर्थ एनजाइम सलाइवा बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिट्स एंड एनजाइम जो स्टार्च का डाइजेशन होता है डाइस्टार्च का डाइजेशन में एमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है और प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन एंजाइम हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम हेल्प करते हैं तो राइट आंसर इज डी एंजाइम ियम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन इज फर्स्ट आसन है स्टेफेलोकोकस और यस सेकेंड स्केरिकोलाई थर्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी फोर्थ लेप्टोस्पायरा इंटेरजेंस स्टेफेलोकोकस ऑरियस स्क्रिया कोलाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस इनमें से कौन सा नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्टेफेलो कोकस ऑरिस या इसी को कहा जाता है स्टैफ ये टाइप बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन स्किन में पाया जाता है ह्यूमन स्किन में पाया जाता है तो ये इंटेस्टाइन नहीं पाया जाता फैथोजेनिक भी होते हैं स्क्रिकिया कोलाई ये जो बैक्टीरिया होता है ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इंटस्टाइन में पाया जाकर ये क्या करता है यूजफुल होता है बहुत यूजफुल होते हैं और विटामिन के सिक्रेशन में भी ये हेल्प करते हैं सेकेंड थर्ड ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पायलोरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी को एक दूसरे नाम से, भी जाता, है, है कम। कम नाम से भी जाता है कम कम्पाइलो बैक्टर पायलोरी इसको दूसरे नाम से जाता है कंपाइलो बैक्टर पायलोरी यह कहाँ पाया जाता है यह मोस्टली स्टमक में पाया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है लेप्टो इस्पायरा तो लेप्टो इस्पायरा जो है ये लेप्टो इस्पायरा इंटरेंस ये पैथोजिनिक होते हैं और डिजीज काज करते हैं लेप्टो स्पायरोसिस लेप्टो स्पायरोसिस डिजीज काज करते हैं और ये पाया कहा जाते हैं ये पाए जाते हैं सोहैल और वाटल में जो कि एनिमल्स यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया एनिमल्स के द्वारा उनहैल और वाटल में से पाए जाते हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा कैरिड होते हैं तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसके रिकिया कोलाई होगा जो कि एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यूजफुल होते हैं सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विस इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल बाइल जूस होता है बाइल जूस में क्या प्रेजेंट नहीं होता है फर्स्ट ऑप्शन बाइल पिगमेंट सेकेंड बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल थर्ड फास्ट लिपिड फोर्थ एंजाइम फर्स्ट बाइल पिगमेंट सेकेंड बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल थर्ड फास्फोलिपिड, फोर्थ एंजाइम, विच इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल तो जो बाइल जूस होता है ये कंपोज होता है किसी चीज का बाइल एसिड का और साल्ट का बाइल एसिड और साल्ट के साथ इसमें फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे एल्कलाइन नेचर प्रदान करते हैं जो एल्कलाइन पीएच इसका जो होता है वो सीवन से एट के बीच होता है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता तो है बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं फॉसफिलिपीड भी प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शेंट क्या होता है एनजाइम ऑप्सेंट होते हैं तो राइट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विस ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज विस् आप द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज फर्स्ट ऑप्शन रिकेट्स सेकेंड ऑस्ट्रियोमलेसिया थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पेलेग्राउंड तो वे सब तक तो फॉलोइंग प्रोटीन इसमें से प्रोटीन डिफिशंसी डिजीज़ कौन सी है प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ काज होती है फर्स्ट ऑप्शन रिकेट्स रिकेट्स जो होता है ये स्केल्टर डिसऑर्डर होता है जो कि काज होता है लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से काज होता है और फिर सेकेंड ऑस्टमलेसिया ऑस्टमलेसिया भी विटामिन डी की कमी से काज होता है जो मोस्टली चाइल्ड में होता है बच्चों में ये ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिलती है कॉशियोर्कर कॉशियोर्कर क्या होता है ये प्रोटीन डिफिशंसी डिजीज होती है प्रोटीन डिफिशेंसी दो से डिजीज होती हैं कॉश्योर्कर्स होता है और मैरेसमस होता है पेलेग्रा फोर्थ ऑप्शन है पेलेग्रा पिलग्रा एक विटामिन की कमी से काम होता है नियासिन और जिसे है, जाना जाता है विटामिन बी थ्री के नाम से भी जाना जाता है तो प्रोटीन डिफिशियसी डिजीज़ कौन सी होती होती है कॉश्योर्कर होता है और मैरेसमस होता है तो इसमें राइट ऑप्शन है सी नेक्स्ट क्वेश्चन जैनडिस इज डिसऑर्डर ऑफ जॉइस इज डिसऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन सर्कुलेटरी सिस्टम सेकेंड स्क्रेटरी सिस्टम थर्ड स्किन एंड आई फोर डाइजेस्टिव सिस्टम स्क्रटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम स्किन एंड आई डाइजेस्टिव सिस्टम तो जैंडिस डिसऑर्डर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजस्टि सिस्टम का इसमें होता क्या है जॉन्डिस कंडीशन में बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होने की वजह से बाइल और ब्लोबिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें राइट आंसर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जॉन्डिस सिस्टम थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जे क्लासेस थैंक यू